नमस्कार दोस्तों, अपने पुरुषोत्तम मास महात्म की कथा की सीरीज में आज हम शुरू करते हैं आठवें दिन की कथा, अध्याय आठ में। इसमें हम सुनेंगे श्री कृष्ण का युधिष्ठिर आदि से द्रौपदी के पूर्व जन्म का वर्णन। सूत जी बोले, हे तपोधने, विष्णु और श्री कृष्ण का संवाद सुनकर नारद जी प्रसन्न हो फिर श्री नारायण से प्रश्न करते हुए बोले, हे प्रभु रुक्मणी नाथ विष्णु, जब वैकुंठ को चले गए तब क्या हुआ वो मुझसे कहो। श्री कृष्ण और विष्णु के सभी आख्यान सब प्राणियों के लिए हितकारक हैं। ऐसे प्रश्न से प्रसन्न हो श्री बद्री नारायण जगत को आनंद देने वाले वचन बोले, हे नारद जी, रुक्मणी नाथ विष्णु ने वैकुंठ में जाकर अधिमास को अपने पास ही स्थान दे दिया। वहां निवास पाकर अधिमास महा आनंद को प्राप्त हुआ और सब मासों का अधिपति होकर श्री विष्णु के साथ क्रीड़ा करने लगा। उधर श्री विष्णु 12 महीनों में मलमास को सर्वश्रेष्ठ बनाकर मन में बहुत प्रसन्न होकर चिंता मुक्त हुए। हे मुनि नारद जी, इसके पश्चात भक्त वत्सल श्री कृष्ण युधिष्ठिर और द्रौपदी पर कृपा दृष्टि करते हुए अर्जुन से बोले, हे राजसिंह, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि दुख में डूबे होने से तुमने तपोवन में आकर पुरुषोत्तम मास का अनादर किया है और वृंदावन चंद्र का प्रिय मास तुम्हारे वन में रहने के समय अनजाने में चला गया, अर्थात बिना किसी पुण्य कर्म के ही गुजर गया। भीष्म द्रोण और कर्ण के भय के कारण तुम लोगों को आने वाले 3रे वर्ष के पुरुषोत्तम मास का भी ज्ञान नहीं रहा। वेद व्यास जी से प्राप्त विद्या की आराधना में लगे भयंकर युद्धशाली अर्जुन के इंद्रकील पर्वत पर चले जाने के दुख से तुम दुखित ही रहे। अब आप पूछें कि क्या करना चाहिए, तो मैं कहूँगा कि भाग्य का सहारा लें, क्योंकि भाग्य का लिखा अवश्य भोगना पड़ता है। जैसा होनहार होता है वैसा ही होता है। मनुष्य प्रारब्ध से ही सुख दुख भय आनंद को प्राप्त होता है। अब आप अदृष्ट भाग्य पर ही निर्भर रहें। हे महाराज, अब आपके दुख भोगने का दूसरा कारण भी कहता हूँ, वह बड़ा विलक्षण इतिहास है, उसे सुने। यह पांचाली द्रौपदी महाभाग्यशाली पूर्व जन्म में श्रेष्ठ मेधावी ऋषि की पुत्री थी। हे राजन, कुछ काल व्यतीत होने पर अत्यंत लावण्य युक्त और मनोहर नेत्रों वाली यह द्रौपदी उस समय 10 वर्ष की थी। पिता के एक ही पुत्री थी जो सर्व गुण संपन्न और बड़ी चतुर थी। इससे यह पिता को अत्यंत प्यारी थी। यह सदैव पुत्र के समान ही रहती थी। इसने पिता का कभी भी तिरस्कार नहीं किया। यह साहित्य शास्त्र और नीति शास्त्र में भी बड़ी निपुण थी। इसकी माता के इसके बाल्यकाल में ही मर जाने से इसे इसके पिता ने ही पाला था। एक दिन यह पड़ोसिन सखियों का सुख देखकर स्वयं भी पुत्र पौत्र की इच्छा करने लगी और इसी चिंता में रहने लगी कि मुझे भी सद्गुण संपन्न सौभाग्यशाली पति और सुख देने वाला श्रेष्ठ पुत्र किस प्रकार प्राप्त होगा। मैं ऐसा कौन सा कार्य करूं जिससे मुझे ज्ञान हो कि किस देवता को पूजूं, किस मुनि के पास जाऊं या किस तीर्थ में जाकर रहूं। वह इसी सोच में रहती थी। वह यह सोच सोचकर चिंता में घुलने लगी कि मेरा भाग्य कैसा सो गया है। कोई भी पुरुष मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं होता। मेरे पिता इतने योग्य पंडित हैं, परंतु मेरे भाग्य से उनकी भी मति मारी गई है, क्योंकि विवाह की अवस्था होने पर भी उन्होंने मेरे योग्य वर नहीं ढूंढा। मैं कुमारी होने से पति सुख से वंचित हूँ। मेरे जैसी सखियाँ पति सुख भोग रही हैं। मेरी शादी का भी ठिकाना या अता पता नहीं है। मेरी माता मुझे बचपन में ही छोड़कर स्वर्ग क्यों चली गई। इस प्रकार शोक
और मोह की तरंगों से पीड़ित होकर वह थपेड़े खाती रही। उधर मेधावी ऋषिराज पृथ्वी पर कन्यादान के निमित्त योग्य वर ढूंढ रहे थे, पर वैसा योग्य वर नहीं मिलने से उनका मनोरथ निराश हो रहा था। देव योग से उनको महादारुण तीव्र ज्वर आ गया। तब ऋषिराज का शरीर बुखार के दुख की तीव्र ज्वाला से फटने लगा और जोरों से श्वास के ऊपर श्वास लेते हुए अचेतन अवस्था में जैसे कोई मदिरा पीकर लड़खड़ाते हुए गिरता है, उसी प्रकार घर में आकर जमीन पर गिर पड़े और पुत्री को स्मरण किया। पुत्री भय से व्याकुल हो जैसे ही पिता के पास गई, तब तक वे मरणासन्न हो गए। देव योग से एकाएक कांपने लगे और कन्यादान के संबंध में जो विवाह महोत्सव की मधुर कल्पना थी वह नष्ट हो गई और पहले के किए हुए गृहस्थ धर्म के परिश्रम के प्रभाव से सांसारिक वासनाओं को छोड़कर उन्होंने भगवान में मन को लगाया और वह मेधावी ऋषिराज श्री हरि पुरुषोत्तम नीलकमल के समान श्याम वर्ण वाले त्रिभंगी मनोहर आकृति वाले भगवान को स्मरण करने लगे। हे राशेश्वर, हे राधा रमण, हे प्रचंड भुजाओं से दैत्यों को मारने वाले, हे अति उग्र दावानल का पान करने वाले, हे गोप कुमारियों के उतारे हुए वस्त्रों का हरण करने वाले, हे श्री कृष्ण, हे गोविंद, हे हरे, हे मुरारे, हे राधेश, हे दामोदर, हे दीनानाथ, मेरा बारंबार नमस्कार है। मैं भव सागर में डूब रहा हूँ, मेरी रक्षा करो। मुनि के ऐसे आर्त वचन सुनकर गोलोक से भगवान के दूत शीघ्र ही आ गए और मरे हुए मुनि का हाथ पकड़कर भगवान के चरण कमलों में ले गए। इधर वह ऋषि पुत्री अपने पिता के प्राणों को निकलता देख हाय हाय करके रोने लगी और पिता की देह को गोदी में लेकर दुखित हो विलाप करने लगी। महादुखित हो दारुण रुदन करके कुररी पक्षी की भांति विलाप करती हुई वह अपने पिता से ऐसे बोली मानो वे जीवित हों। हाय पिता, हे पिताजी, हे कृपा सिंधु, अपनी पुत्री को आनंद में रखने वाले आप भी मुझे अकेली छोड़कर गोलोक धाम को चले गए। हे तात, बिना पिता के अब कौन मुझे रखेगा? न मेरे कोई भाई है, न कोई कुटुंब का, और न ही मेरी माता ही रही। कौन मेरे भोजन और कपड़ों की चिंता करेगा? हे पिताजी, अब मुझे वेद ध्वनि भी सुनाई नहीं पड़ेगी। इस तुम्हारे सूने आश्रम में मैं कैसे रहूंगी? इसमें भी मैं प्राण त्याग दूंगी। ऐसे जीने से क्या लाभ है? हे मुझे प्यार देने वाले पिता, बिना विवाह कार्य संपन्न किए आप कहाँ चले गए? हे तात, हे तपोनिधि, आप लौट आइए और अमृत के समान मीठी वाणी में मुझे फिर से पुकारिए। आप चुप क्यों हो गए हो? उठिए उठिए, अब सोए हुए बहुत देर हो गई है। इस प्रकार अश्रुधारा बहाते हुए वह अनेक विलाप करती रही। जोर जोर से रोने की आवाज सुनकर वहां वन में रहने वाले ब्राह्मण आपस में कहने लगे कि इस तपोवन में आज अत्यंत करुणा स्वर में विलक विलक कर कौन रो रहा है? थोड़ी देर में उन्हें समझ आया कि यह स्वर तो महर्षि की पुत्री का रुदन है। तब वे सब हाहाकार मचाते हुए वहां पहुंचे और पुत्री की गोद में मरे हुए मुनि को देखकर वे सब मुनि भी रोने लगे और फिर पुत्री की गोद से शव को उठाकर शमशान में शिवालय के निकट ले जाकर चिता बनाकर अंत्येष्टि विधि से दाह संस्कार किया। तत्पश्चात कन्या को अनेक प्रकार से समझाकर वे अपने अपने स्थान को चले गए। कन्या ने धैर्य धारण कर पिता की संपूर्ण क्रिया के लिए यथाशक्ति धन खर्च किया। वह श्राद्ध आदि क्रिया करके उसी तपोवन में रहने लगी। जिस प्रकार बछड़े के मर जाने पर गाय आंसू बहाते हुए खाना पीना छोड़कर बिलखती रहती है, उसी प्रकार वह पुत्री भी पिता का मरने से हुए कष्टों से रोती बिलखती आंसू बहाती हुई खाना पीना छोड़कर अत्यंत व्यथित रहती थी। तीसरी पुरुषोत्तम मास महात्म कथा अष्टम अध्याय समाप्त।